हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी विथ बेबी डानी चैनल। और मैं हूँ बेबी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आंवला की रेसिपी। हेल्दी तो होता ही है पर टेस्टी भी होता है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है और 10 मिनट में फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे आप 10 से 15 दिन तक खा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ली है फ्रेश आंवला। आंवला लेते टाइम ना देखेंगे, पका हुआ आंवला लेंगे, मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा और थोड़ा सा येलो कलर का लेंगे। वैसे आपके यहाँ जो आंवला मिलता है ना वही ले लेना। एक कुकर लेंगे, इसमें डाल दिया हमने 1 कप पानी। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में स्टीम कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैंने कुकर लिया है। कुकर में ये छन्नी सेट हो जाता है, इसके ऊपर सारे आंवला डाल देंगे। नीचे हमने पानी 1 कप डाला है और इसके ऊपर ना कोई अच्छा सा ढक्कन ढक देंगे ताकि जब पानी गर्म हो तो उसका भाप बाहर ना निकले। तो भाप में इसे हम पका लेंगे। 10 से 15 मिनट लगेगा पकने में, ज़्यादा नहीं पकाना है, 1% कच्चा ही रखेंगे। तो चलिए इसे साइड में पकने के लिए छोड़ देते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने तावा ली है। तावा में डाल देंगे 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच हम लेंगे सौंफ। मसाला थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने 500 ग्राम आंवला के बता रही हूँ, 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही आंवला होगा। और 2 चम्मच अजवाइन लिया, 2 चम्मच सौंफी ले लिया, 2 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच मेथी लेंगे। मेथी कड़वी लगती है अगर ज़्यादा हम डाल देंगे तो। 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ले लेंगे। उससे पहले ये 3 से 4 लौंग लिया है ताकि हमारे अचार में ना अच्छी सी लौंग वाली खुशबू आए। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास इतना सारा खड़े मसाला नहीं है तो आप अचार ना बनाओ। इसमें से कोई नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया। अब इन मसाले को ना 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, जब तक ये अच्छे से चटकने नहीं लग जाते हैं, सारे मसाले गोल गोल फूल नहीं जाते हैं तब तक। जब ये भून जाएगा ना थोड़ी देर, तो हम डालेंगे 15 से 20 काली मिर्च। काली मिर्च को बाद में ही डालना क्योंकि काली मिर्च को ना थोड़ा सा गर्म ही करना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेगा। जब ये भून जाएगा तो अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। भूनने में जल्दीबाजी नहीं करना, धीमी आंच पे ही रोस्ट करना। तो बस ये देखिए, ये ना हमारा सारे खड़े गर्म मसाला भून गया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल करके रख लेती हूँ ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसका पाउडर बनाना। तो मैं इसे छोटी मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इसका पाउडर ना ज़्यादा ना तो मोटा बनाना है ना ज़्यादा बारीक बनाना है। देखिए थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। तो बस ये मसाला तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। वैसे सरसों का तेल में बनाओ तो बहुत टेस्टी भी बनता है, हेल्दी भी होता है। वैसे अगर नहीं है तो आप अपने पसंद का कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। थोड़ा सा डाला कलौंजी और इसमें डालेंगे 100 ग्राम हरी मिर्च। आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो, बिना मिर्च का भी आंवले का अचार बना सकते हो। अगर डाल दो तो और भी अच्छा है, फिर ना अलग से मिर्च लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मिर्च कुछ सेकेंड के लिए मैंने भुना है मिर्च को, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो अदरक लहसुन ये सब चीज़ ना खाना चाहिए। कलर के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच देगी मिर्च। बस ये कलर के लिए डाला जाता है, तीखा नहीं होता है। और अदरक लहसुन का पानी जलने तक इन सबको ना भून लेंगे, बस धीमी आँच पे। क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट में जब मैं पीस के रखती हूँ ना तो उसमें पानी नहीं डालती हूँ, इसमें पानी नहीं है। आप चाहे तो अदरक लहसुन के पेस्ट के जगह बारीक कट करके भी डाल सकते हो इस अचार में। अदरक लहसुन खाना वैसे भी अच्छा होता है, मतलब जोरों के दर्द ये सब ठीक होता है। अगर नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। देखिए आंवला यहाँ पे पक गया है, 1% आंवला कच्चा ही है। ये हम फटाफट से बना रहे हैं इसीलिए आंवला को स्टीम किए हैं। वैसे अगर बिना स्टीम किए हुए भी बना सकते हो पर उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। आंवला को ना इतना पकाएंगे कि देखिए इसके कलियां सारे अलग अलग हो जाए और इसके बीज आसानी से बाहर निकल जाए। तो मैं ना ये सारे बीज निकाल करके साइड में रख दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत आसानी से सारे बीज भी निकल रहा है, कलियां अलग अलग हो गए हैं। तो बस ये भी तैयार है, बीज हमने साइड में रख दिया है। चलिए अब मसाला को देख लेते हैं।
तो देखिए उसी टाइम में ना धीमी आंच पे मसाला को भी छोड़ दिया था, तो अदरक लहसुन और अच्छे से पक गया है। जो भी पानी थोड़ा बहुत था ना अदरक लहसुन का, वो भी सूख गया है। इसमें डाल देंगे आंवला, और अब हम आंवला को ना 3 से 4 मिनट तक मध्यम आंच पर आंवला का भी पानी सूखने तक पकाएंगे। और जैसे पानी सूख जाए तो इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक या फिर काला नमक। मैंने यहाँ पे काला नमक ही यूज किया है। देखिए पानी सूख गया है तो मसाले ना चिपकने लग गया कढ़ाई में। हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं इसीलिए हम इसे पका रहे हैं, मतलब पानी सुखा रहे हैं। वैसे अगर आप धूप में भी सुखा के बना सकते हो तो 8 से 10 दिन लगेगा। जैसे इसका पानी सूख जाए तो इसमें ये पिसा हुआ सारे मसाला डाल देंगे। 2 मिनट तक इसे भी मिक्स कर लेंगे धीमी आंच पे, क्योंकि मसाला तो भुना हुआ है ही तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारा आंवला का अचार रेडी है दोस्तों खाने के लिए। आप इसे तुरंत से खा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।